मौसम बदलने के साथ इन दिनों वायरस का प्रकोप बढ़ने से आजकल इंदौरा, नूरपुर, फतेहपुर, वज्वाली व रेहन इत्यादि अस्पतालों में वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नूरपुर अस्पताल में तैनात दवाई विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने बताया कि ओपीडी में चेक कराने वाले मरीजों में वायरस के मरीजों की संख्या में 60% तक बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण मौसम का बदलना है। मौसम बदलने से वायरस और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा कि वायरस होने पर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर में थकान, गले में खराश, बहता नाक, शरीर का तापमान बढ़ने के अलावा त्वचा में लाल चकते तक पड़ना है। उन्होंने कहा कि कुछ मरीज पहले ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जो कि घातक हो सकती है। डॉक्टर आशीष ने कहा कि मरीज इस रोग में स्वयं दवाई ना ले, डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई खाए या फिर नजदीकी सरकारी अस्पताल से डॉक्टरों की सलाह ले। वायरस एक्चुअली ये जो मौसम बदलने के दौरान जो हमारा कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे पॉजिटिव एजेंट्स का, तो वही वायरस है ये। अभी आज की डेट में ये देखो मौसम बदलने से क्या होता है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसफर होता है। ये जो भीड़ है इतना ज़्यादा, एक दूसरे से ही फैलता है ये वायरस, तो ये ऐसे ही फैलता है ये वायरस। इससे होने वाली दिक्कतें यही हैं, जो फिर सारे शरीर में दर्द रहना, नाक बंद रहना, चलना, गले में दर्द होना, है ना, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। और ज़्यादातर ये 3-4 दिन रहता है ये कोर्स, उसके बाद खुद ही खुद ये ठीक भी हो जाता है। कई बुजुर्गों में जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको दिक्कत कर सकता है ना, बड़े सारे लोग जो है ना वो पहले ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ये भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लोग होता नहीं है। एक बार डॉक्टर की सलाह ले, मैं तो यही कहूँगा, उसके बाद जो है कोई अगर दवाई लेनी है वो ले। सर इसका जैसे कैसे इसका बचाव किया जा सकता है? जैसे बचाव इसका यही है, जैसे हमने देखा है कोविड के टाइम में सेम ही वायरस बचाव जैसे किया था, प्रॉपर मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें और दोनों से दूरी बनाए रखें, यही इसका बचाव है, जो मोस्ट कॉमन बचाव।